हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ग्रेप जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए हम इसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कुछ ताजे ताजे ग्रेप्स, ब्लैक नमक, शक्कर, नींबू, जीरा पाउडर, पुदीने की पत्ती और डेकोरेशन के लिए कुछ काले ग्रेप्स ले लिए हैं हमने। पानी जरूरत के अनुसार हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें डंठल से ग्रेप्स को अलग कर लेना है। ग्रेप्स अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारे ग्रेप्स को हमने अलग कर लिया। अब हम इस ग्रेप्स को एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। जार बड़ी वाली होनी चाहिए क्योंकि जूस फैलता है, उसमें हम पानी शक्कर डालेंगे। तो अब इसमें हम जरूरत के अनुसार शक्कर डालेंगे। तो आप 3 से 4 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। में हम 2 से 3 ताजे ताजे पुदीने की पत्ती तोड़ लेंगे। कोई भी जूस में अगर जीरा पाउडर, ब्लैक नमक और पुदीने की पत्ती हो तो रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, यानी कि आधी गिलास। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से मिक्सर में से पीस लिया है। अब हम एक बॉल में स्ट्रेनर रखेंगे और इसे जूस को अलग करेंगे। तो जूस गाढ़ी है, एक स्पून की मदद से हम प्रेस करते हुए उसे अलग कर लेंगे। ये काफी हेल्दी जूस होता है। गर्मियों में बच्चों को आप 1 गिलास पिला दीजिए तो काफी एनर्जी महसूस करते हैं। हमने जूस को अलग कर लिया है। अब हम इसे एक कांच के ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये अपना प्योर जूस तैयार हुआ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। चम्मच से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और हमने जो ब्लैक ग्रेप्स लिया था उसका बारीक बारीक टुकड़ा करके हम डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा पुदीने की पंखुड़ी से इसे सजा लेंगे। एक हम नींबू का स्लाइस तैयार करेंगे। मार्केट में तो आप जूस पीते ही हैं, एक बार आप घर पे बना के पीजिए फिर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको। तो हमने एक स्लाइस से इसे डेकोरेट कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये अपना ताजा ताजा ग्रेप्स जूस बनकर तैयार है। इसे आप भी ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।